सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल ड्रैगन एंड फैंटेसी पर। तो दोस्तों इस बिना आप देख रहे हैं एक नया लीग, उसका जो पहला मैच होगा KCC T20 एलीट चैंपियनशिप का जो पहला मैच होगा अल हज़रे भासर डेजर्ट डेरेस के बीच, उसके मैच में स्टार सनराइजर्स। दोस्तों एक बार मैच के प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टॉस के बाद, लाइनअप के बाद जो फाइनल टीम्स हम देते हैं स्मॉल लीग का और ग्रैंड लीग का, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जाइए टेलीग्राम पर जाकर टारगेट इन फैंटेसी लीग के सर्च कीजिए और हमारे वहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिलेगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और आप आसानी के साथ वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस साथ में देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिए। अब मैच की बात करके दोस्तों देखिए, ये मैच होगी आज रात को 11:30 बजे। यहाँ पर देखिए टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं है, अभी से ही देखिए सिर्फ 5 से 6 घंटा है शायद। तो देखिए इसमें से ही आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमने जानकारी, पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, साथ में एक अच्छी खासी टीम भी आपको देने की कोशिश करेंगे टॉस के बाद, लाइनअप के बाद। दोस्तों वेन्यू देखिए यहाँ पर रहेगा सुलभैया ग्राउंड कुवैत में, वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाले हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें, बैलेंस्ड पिच रहने वाला है। साथ में देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जैसा होता ही है कि जो मीडियम पेसर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलता है पिच से। एवरेज को देखिए 124 तक रहेगा, मतलब 130 प्लस स्कोर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 140 के अंदर। तो दोस्तों देखिए आज के मैच प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, ALH 50% विनिंग चांसेस, DR 50% विनिंग चांसेस। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहला मैच में और आपको थोड़ा सा जो है बैलेंस करके ही टीम बनाना पड़ेगा यहाँ पर दोनों टीम की तरफ से। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग से, उसी के साथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या होंगे, साथ में प्लेयर्स की जो रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस निकाल कर आया है, मतलब सारे प्लेयर्स को तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि देखिए कुवैत के अंदर यहाँ पर इतने सारे क्रिकेट नहीं होते हैं और बहुत नए प्लेयर भी ऐड हुए हैं, तो इसलिए जितना स्टेट्स हमको मिले हम उतना ही आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। दोस्तों ALH की तरफ से देखें, आसन उल्हाक ओपनिंग करने वाले हैं सेयन शशिका के साथ। आसन उल्हाक रिसेंट में नहीं खेले, सेयन शशिका 13-6 1 रन बनाया। नंबर 3 पर आने वाले दोस्तों देखिए अजीम पारगा, जो कि इनकी भी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं रहे। मोहम्मद असलम 30-118-41, दोनों मैच पर 1 और 1 विकेट, 12-2 विकेट निकाला। नवाफ तदरकर देखिए इनकी भी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं रहे। मजीद तंबे एज विकेट कीपर खेलेंगे, बैटिंग में अच्छा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर है तभी आप इनको ले सकते हो, लेकिन देखिए अगर 6 नंबर पर बैटिंग करें तो इनके जगह दूसरी टीम का जो विकेट कीपर है उनको ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए उनकी जो ऊपर बैटिंग करने का चांसेस ज़्यादा है। नंबर 7 की बात करें दोस्तों, मोहम्मद अंसार बहुत ही बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम के लिए। 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट विकेटलेस, मतलब क्या है कि 4 मैच खेल के अभी तक 6 विकेट निकाल लिया, तो अच्छा खासा बॉलिंग जो है सबके लिए मोहम्मद अंसार रहेगा। नंबर 8 की बात करें, लुकमान मुस्तफ़ा नंबर 8 पर आएंगे बैटिंग करने और एज ए बॉलिंग ऑप्शन स्पेशली खेलने वाला है। इनकी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं रहे, डोमेस्टिक पर खेले थे लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, और अगर स्क्वाड में रहे तो आप चाहे तो इनको ले सकते हो या फिर ड्रॉप भी कर सकते हो। नंबर 9 पर देखिए दोस्तों, क्रिस्टी समीकेल एवरेज प्लेस होगा आपके लिए, इनकी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं रहे। नंबर 10 की बात करें, मिर्ज़ा अहमद 0-1-3-2, 4 मैच पर देखिए ऑलरेडी 6 विकेट निकाला इन्होंने भी, तो मिर्ज़ा अहमद आपके लिए बहुत ही बड़े चॉइस में रहेगा। आप चाहते हो ग्रैंड लीग पर जब BCB ट्राई कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन में ग्रैंड लीग का। मोहम्मद सोहेल दोस्तों इनकी भी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। अब हम देख लेंगे दोस्तों ALH टीम की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। देखिए आसन उलक, सेयन शशिका, अजीम पारकर, मोहम्मद असलम 4 हो गए हैं, उसके साथ मोहम्मद अंसार रहेगा 5वां चॉइस, साथ में मिर्ज़ा अहमद 6ठा चॉइस। दोस्तों ये 6 प्लेयर्स आपके लिए मास्ट चॉइस रहना चाहिए इस मैच में। अब हम बात करेंगे डेजर्ट की तरफ से यहाँ पर ओपनिंग करेंगे कौन, देखिए मोहम्मद साले, उसके साथ अमित जावेद आएंगे ओपनिंग करने। मोहम्मद साले 23-11-46 3 मैच पर किए हैं। जब यहाँ पर एमिरेट्स D20 हुआ था शायद, तो अभी से ठीक से हमें मुझे याद नहीं है, वहाँ पर अगर T20 जो हुए थे वहाँ पर बहुत ही अच्छे खेले थे मोहम्मद साले ने, देखिए 23-11-46 रन थोड़ा सा किए थे। तो मोहम्मद साले ओपनिंग करने आएंगे, टीम का लिए कप्तान भी है। अमित जावेद उनके साथ ओपनिंग करेंगे, इनकी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। मोहम्मद साउद जो कि वन डाउन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इनकी भी कोई रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। नंबर 4 पर देखिए जो विकेट कीपर आएंगे, हमने आपको जिसके बारे में बताया था कि थोड़ा सा ऊपर आने के चांसेस है, यहाँ पर ऐसा ही है, रविंद्र संजीवा जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन पर है दूसरी टीम की तरफ से। लेकिन गाइस यहाँ पर एक दिक्कत क्या है कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये जब विकेट कीपरिंग करेंगे तब इनके टीम से कोई दूसरे विकेट कीपर भी खेल सकते हैं, ये बात सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखिए हमने स्क्वाड के अंदर कोई दूसरे विकेट कीपर को ऐड नहीं किया है, अगर इनके साथ कोई और खेले तो आप उनको जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इनके स्कोरिंग देख के आप समझ सकते हो कि 2 डाउन खेल के कितने अच्छे तरीके से फॉर्म दिखाई, 18-37-26-0-36 रन 5 इनिंग्स पर बनाया, मतलब रिसेंटली जो 5 इनिंग्स खेले वहाँ पर 25 प्लस स्कोर है 3, तो
इसके लिए बिल्कुल पिक कर सकते हो। देखिए एज ए विकेट कीपर होके भी यहाँ पर 4 मैचों में 6 विकेट निकाल लिया, मतलब अगर इन्होंने सिर्फ विकेट कीपरिंग जैसा नहीं खेले तो अब इनको मस्ट पिक कीजिए। उसी के साथ ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 5 की बात करें मोहसिन हयात, इनकी रिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। 6 नंबर पर बात करें सुसंग उइरन नगामा, 37-49-0, 5 रन 5 इनिंग्स पर किए थे। नंबर 7 पर देखिए मोहम्मद जमील, ये भी इनकी भी रिसेंट रिकॉर्ड्स कुछ नहीं मिले। आप चाहे तो थोड़ा सा एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर इनको पिक कर सकते हो, नहीं तो आप ड्रॉप कीजिए। अलन पेरेरा सेम है यहाँ पर, नंबर 8 पर आने वाले एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलेंगे। नंबर 9 पर देखिए वसंत कुमार नायका, 1-1-1-3-0, टोटल यहाँ पर 5 मैच में 6 विकेट निकाला, ठीक ठाक चॉइस रहेगा। कॉन्सिस्टेंट के साथ विकेट निकाले लास्ट 5 मैचों में आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा। नवाज खान और जैन फकर दोनों एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलेंगे, इनके भी कोई डिसेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिले। आप चाहे तो एज ए ग्रैंड लीग ऑप्शन इनको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ड्रॉप कीजिए स्मॉल लीग में। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर डीआर की तरफ से कौन कौन से प्लेयर फिलहाल बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए। मोहम्मद साले, आमिर जावेद, रविंद्र संजीवा, ससंग विजय नगामा, कुमार नायका, उसी के साथ मोहम्मद जमील, दोस्तों ये 6 प्लेयर्स डीआर मतलब डिजिट डेट्स की तरफ से आपके लिए मस्ट चॉइस रहना चाहिए। अब देख लीजिए स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस पर रहने वाले हैं। आसन उलक, मोहम्मद साले, नवाफ तदरकर, देखिए इनके तो रिसेंट टेस्ट नहीं मिले लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, एमिरेट्स D20 में भी बढ़िया किया था, और जब वो मैच हुए थे ना इंडिया XI वर्सेस बांग्लादेश XI या फिर अफगानिस्तान XI, वो लीग में भी बहुत ही अच्छे खेले थे। मोहम्मद असलम, ये भी अच्छे पिक होगा आपके लिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए। तो ये 4 प्लेयर्स जो है इनको आप स्मॉल लीग के लिए एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कीजिए। साथ में कैसे देखिए ग्रैंड लीग चॉइसेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आमिर जावेद, रविंद्र संजीवा, वसंत कुमार नायका, मोहम्मद अंसार, इन 4 प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग पर अलग टीम्स में 1 से लेकर 3 तक रोटेशन कर सकते हो, या फिर इनमें से आप किसी 2 को रिस्की कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस पर भी रख सकते हो। तो दोस्तों देखिए फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस की बात। अभी हम चलते हैं डीम लीग की तरफ, वहाँ पर हमने जाके एक स्मॉल लीग का डेमो टीम भी बनाकर दिखाएंगे। शायद हो सकता है कि हमने थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बना लिया, लेकिन गाइस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए। अभी डेमो टीम बनाकर आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए विकेट कीपिंग ऑप्शन पर दोनों बेस्ट चॉइस सबको मिलेगी, मोहम्मद सादिक उसी के साथ आर संजय। देखिए मोहम्मद सादिक का खेलने का चांसेस कोई कॉन्फर्मेशन यहाँ पर नहीं मिले तो इसलिए हमने इनको स्क्वाड के अंदर भी नहीं रखा, लेकिन आप चाहे तो ले सकते हो। फिलहाल हम जाएंगे आर संजीवा, सदवे पर एम सदिक के साथ। बैटिंग सेक्शन पर देखिए मोहम्मद साले, एन दादरकर, आसन उलक, 3 बेस्ट चॉइस रहेगा बैटिंग सेक्शन पर। और ऑलराउंडर्स की बात करेंगे, देखिए मोहम्मद सादिक उसी के साथ मोहम्मद असलम और एम हयात, ये 3 प्लेयर्स हमारे टीम पर रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर टी हमदुलई जो है उनको पिक कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं खेलने वाले तो इसलिए हम इनको नहीं लिए, अगर खेले तो हम जरूर पिक कर लेंगे। देखिए बॉलिंग सेक्शन में एम आहमेद, नौसब खान, सदमे पर एम सोहेल, ये 3 प्लेयर्स रहेगा। कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आसन उलक जो सेफ कैप्टन, उसके साथ सेफ वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। फिलहाल देखिए इन दादरकर सेफ करके आपको प्रीव्यू दिखाएंगे, प्रीव्यू में थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में डिस्कस कर देंगे। दोस्तों अरविंद संजीवा और यहाँ पर मोहम्मद सादिक दोनों रहेगा विकेट कीपरिंग ऑप्शन में। बैटिंग सेक्शन में है आसन उलक, एन दादरकर, मोहम्मद साले। और ऑलराउंडर्स की बात करें मोहम्मद असलम, मोहम्मद सादिक, यहाँ पर एम हयात और एम आहमेद, सोहेल और नफज खान, यहाँ पर देखिए 3 प्लेयर्स रहेगा बॉलिंग सेक्शन पर। दोस्तों कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस की बात कर देखिए आसन उलक और यहाँ पर नफज दादरकर, ये 2 रहेगा कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस में। आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ, एम हयात, एम असलम, अरविंद संजीव ऑब्वियसली है, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद साले है, और उसके साथ देखिए बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद सोहेल है। दोस्तों ये 6 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग पर भी बहुत ही अच्छा चॉइस रहने वाला है एज ए रिस्की कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस में। दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टॉस के बाद, लाइनअप के बाद फाइनल टीम्स मिल जाएगी। सब दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए, और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।